होस्टल का और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सीरियल स्यापा। द सीरियल स्यापा में हम बात करते हैं सीरियल में होने वाले स्यापों के बारे में। और हाल फिलहाल की बात करें तो टीवी की दुनिया में ऐसे तमाम सीरियल सामने आ रहे हैं जिसमें आपको एक अलग अलग कहानी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाले शो निमकी मुखिया की, तो निमकी के जो चुलबुला अंदाज है उससे हर किसी का दिल उन्होंने मोह लिया है। जी हाँ, आज घर घर में निमकी पहचाने जाने लगी है। वेल, निमकी मुखिया के अगर ट्रैक की बात की जाए तो निमकी मुखिया इन दिनों अपने ससुर यानी देतर सिंह को जिताने में लगी हुई है। वेल, जहां एक तरफ पेंटिंग कंपटीशन होता है तो दूसरी तरफ भाई नाहर सिंह पेंटिंग कंपटीशन को खराब करने की जी जान लगा देता है। लेकिन फिर निमकी मुखिया चलाती हैं अपना दिमाग और सबको सेटलमेंट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से लगता है अभिमन्यु और जो स्वीटी हैं उनकी जो लव स्टोरी, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द शुरू होने वाली है, किस तरह से अभिमन्यु स्वीटी जी को बचाते हुए नजर आते हैं ये देखते हैं। और फिर इसे देखकर जल जाते हैं निमकी के हस्बैंड यानी कि बब्बू जी। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा कि आपने सीरियल में देखा होगा कि किस तरह से निमकी जो कि पूरे इंतजाम करती है कि सारी चीजें सेटल हो जाएं, तो दूसरी तरफ देखते हैं कि ऋतुराज, जी हाँ बब्बू जी देखते हैं कि ऋतुराज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बब्बू देखते हैं कि अभिमन्यु जो कि स्वीटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, लग रहा है कि बब्बू का दिमाग भी अब घूम रहा है, कहीं उसे ऋतुराज में कुछ खराबी तो नहीं लग रही। वेल, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं और सारे ही कंफ्यूजन हम दूर करेंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाले शो निमकी मुखिया की अगर बात करें तो निमकी ने सबके दिल में जगह बना ली है। जी हाँ, निमकी अब घर घर में पहचान बन गई है। इसी के साथ आपको बात करें कि निमकी मुखिया में हर एक दिन नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं जिससे दर्शक बेताब रहते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में आखिर आगे होगा क्या। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि किस तरह से निमकी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है पेंटिंग कंपटीशन अपने ससुर तेतर सिंह को जिताने के लिए, और साथ ही साथ वो जिताने के लिए एक जो अमाउंट रखा है जीतने वालों को, जो विनिंग के तौर पर उन्होंने इस बात का लालच दिया है कि जो भी इस पेंटिंग कंपटीशन में जीतेगा उसे प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कंपटीशन में बहुत सारे खेल हुए हैं, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से कंपटीशन को खराब करने की कोशिश की जाती है। वेल, इस कंपटीशन में निमकी की छोटी बहन महुआ भी पार्टिसिपेट करती है, तो वहीं बात करें दूसरी तरफ निमकी की नंद यानी कि स्वीटी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेती हुई नजर आती है। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ कंपटीशन चल रहा होता है तो निमकी का ये कंपटीशन कोई खराब करने की कोशिश करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो ये सारा प्लान है वो तेतर सिंह के खिलाफ रचा गया है, वो रचा है नाहर सिंह ने। जी हाँ, नाहर सिंह चाहता है कि तेतर सिंह किसी भी हालत में नहीं जीते। जहाँ एक तरफ यहाँ पर जंग चल रही है विधायक कौन बनेगा, जी हाँ विधायक बनने के लिए तेतर सिंह हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि वो विधायक बन जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक रोमांस का तड़का भी लगने वाला है। जी हाँ, किस तरह से आपने पहले के एपिसोड में देखा होगा कि कैसे तेतर सिंह स्वीटी को इस बात के लिए डांटते हैं कि वो अभिमन्यु से दूर रहे क्योंकि स्वीटी अभिमन्यु के लिए खाना लेके जाती है। लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो स्वीटी को घर बुलवा लेता है। जी हाँ, बब्बू को भेजता है वो स्वीटी को घर लाने के लिए, जहाँ बब्बू बीडी और बाबू यानी कि अभिमन्यु पर भी खूब भड़कते हैं।
इसके साथ स्वीटी का पति यानी कि ऋतुराज भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन बात करें कंपटीशन की, तो पेंटिंग कंपटीशन में बब्बू फिर से एक बार देखेगा स्वीटी और अभिमन्यु को साथ में। देखा ही होगा आपने कि किस तरह से कंपटीशन को खराब करने के लिए पहले तो पंखा जब गिरने वाला होता है तो वीडियो बाबू स्वीटी को आकर बचवा लेते हैं, फिर बाद में जब मधुमक्खी पूरे हॉल में घूमने लगती है तो हर जगह सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी बब्बू ढूंढता है अपनी बहन स्वीटी को कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। फिर इसके बाद जब बब्बू देखता है तो उसको कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। जी हाँ, एक तरफ बब्बू देखता है कि ऋतुराज यानी कि बब्बू का जीजा स्वीटी के हस्बैंड ऋतुराज जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मधुमक्खियों से बिना स्वीटी की परवाह किए, तो दूसरी तरफ स्वीटी को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है अभिमन्यु यानी कि बीटीओ बाबू। जी हाँ, अभिमन्यु अपनी बेटी अलीना और स्वीटी को एक साथ लेके जाता है जहाँ वो स्वीटी को पर्दे के पीछे रख देता है। वेल बब्बू दोनों ही नजारा साथ में देखता रहता है और साथ ही साथ अपने जीजा ऋतुराज पर भी गुस्साता है कि कैसे ऋतुराज बिना अपनी वाइफ यानी कि स्वीटी की परवाह किए हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। वेल जहाँ स्टोरी लाइन चल रही है तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि स्वीटी और अभिमन्यु की लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वीटी और अभिमन्यु की लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। वेल जिस तरह से शो का ट्रैक चल रहा है, एंगल को इस तरह घुमाया जा रहा है जहाँ स्वीटी और अभिमन्यु का बार बार एक दूसरे से आमना सामना होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा पॉजिटिव कन्फेशन करते हुए नजर आते हैं, जहाँ स्वीटी की फैमिली निमकी और अभिमन्यु के खिलाफ होती है वहीं हमेशा निमकी और अभिमन्यु का साथ देती हुई नजर आती है, जो कि तितर सिंह के परिवार को बिल्कुल भी नहीं पसंद नहीं आता, जिस पर अनारो भी काफी नाराज होती है। पर ट्रैक देखकर ये लग रहा है कि कहीं निमकी का साथ बब्बू ना दे स्वीटी और अभिमन्यु का मिलन कराने में। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो यकीनन शो में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। मैं आपको बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दोनों का मिलन दिखाया जाएगा। मैं इसी के साथ आपको बता दें कि स्वीटी और अभिमन्यु की अगर शादी दिखाई जाती है, अगर लव एंगल दिखाया जाता है तो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग इस ट्रैक का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये ट्रैक भी सामने आ रहा है जहाँ दोनों के लव एंगल को दिखाया जा रहा है। जिस तरह से अभिमन्यु स्वीटी को बचाता है, जिस तरह से बब्बू ये सारी चीजें देखता है, वो काफी ही अलग होता है कि ऋतुराज खुद को बचाने की कोशिश करता है, ना कि अपनी पत्नी स्वीटी को। तो ये था आज का हमारा शो सीरियल स्यापा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से सीरियल स्यापा में हमने आपको दिखाया निमकी मुखिया के बारे में, किस तरह से जो मुखिया निमकी हैं उनकी लाइफ में किस तरह से हलचल मची हुई है, और अपने घर से लेकर ससुराल वालों की लाइफ में निमकी स्यापे ही स्यापे लाते रहती हैं। वेल लग रहा है जिस तरह से निमकी अपने ससुर को जिताने की कोशिश कर रही है, इसी तरफ दूसरी तरफ जो ट्रैक चल रहा है वो अभिमन्यु और स्वीटी जी का चल रहा है, जहाँ उनकी लव स्टोरी को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी लव स्टोरी की जो भाई है शुरुआत हो जाएगी। तो देखना होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या ऐसा ही होता है, क्या अभिमन्यु और स्वीटी की लव स्टोरी की शुरुआत आती होती है या फिर इसमें फिर से कोई खलल आ जाता है। तो ये था आज का हमारा शो सीरियल से आपा, जिसमें हमने बात की निमकी मुखिया के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही शो, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीटीओ एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।